उन्नाव में दूसरा कोरोना पॉजिटिव केस। उन्नाव जनपद में कोरोना वायरस की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद पूरे शहर में हड़कंप मच गया। अभी उन्नाव में एक ही पॉजिटिव था, पर जैसे ही ये खबर आई कि उन्नाव के शुक्लागंज में रहने वाली महिला पत्रकार की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, उसके बाद स्वास्थ्य विभाग से लेकर पूरे प्रशासन में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। आनन फानन पुलिस ने पूरे इलाके को बैरिकेटिंग कर दिया है। शुक्लागंज में आने वाली सभी सीमाएं सील कर दी गई है। उन्नाव से कानपुर को जोड़ने वाले पुल को भी सील कर दिया गया है। इलाके में सैनिटाइज कर सड़कों पर ब्लीचिंग की जा रही है। उन्नाव जनपद के गंगा घाट में दूसरा कोरोना पॉजिटिव केस मिलने से हड़कंप मच गया। इस बार कोरोना वायरस का शिकार एक महिला पत्रकार हुई है। यह महिला पत्रकार कानपुर में पत्रकारिता करती थी, जो कि उन्नाव के गंगा घाट के मदनी नगर की रहने वाली है। जैसे ही इस बात की जानकारी प्रशासन को हुई, वैसे ही उस एरिया के 1 किलोमीटर दायरे को हॉटस्पॉट बना दिया गया और पूरे एरिया को प्रशासन सैनिटाइज कर रहा है। वहीं महिला पत्रकार के बाद उसके परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य विभाग अपने साथ ले जाकर जांच की कार्रवाई पूरी करने में जुट गई है। पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लगा दी गई है। कानपुर से आने जाने वाले लोगों को रोक दिया गया है और दोनों गंगा पुलों को पुलिस ने सील कर दिया है। गंगा घाट में मदनी नगर, आनंद नगर, ऋषि नगर सहित लगभग आधा दर्जन मोहल्लों को पुलिस ने सीज कर दिया है। हॉटस्पॉट एरिया में अभी फिलहाल किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। इन मोहल्लों में होम डिलीवरी के अनुसार ही जरूरत की चीजों को पहुंचाया जाएगा। उन्नाव से कानपुर जाने वाले मार्ग पर दाहिने और ऋषि नगर से लेकर गंगा घाट कोतवाली तक पूरा एरिया बंद है। पेश है उन्नाव से सहबान मलिक की यह खास रिपोर्ट। पाया गया है तो किस तरह से एरिया में कवर किया जा रहा है? अभी प्रिकॉशन के तौर पे जैसा हम लोग इंस्ट्रक्शन है कि अभी फिलहाल इसको 1 किलोमीटर का एरिया आइडेंटिफाई करें कि कौन सा 1 किलोमीटर का एरिया होगा, उसको हम लोग सैनिटाइज भी करा रहे हैं। सुबह से सैनिटाइज की टीम भी लगी हुई है, सैनिटाइज करा रहे हैं और सीलिंग का काम भी चल रहा है। तो 1 किलोमीटर का एरिया हमारा पूरा ये जो राजधानी मार्ग में जहां तक आ रहा है, कलेक्टर साहब को बता दिया गया है, ईओ को बता दिया गया है, वो अब इसको गली को सील करना शुरू कर रहे हैं। काफी हद तक सीलिंग का काम कर भी चुके हैं। कुछ जगह जहां जहां गलियां हैं उन गलियों को भी ये सील करने का काम शुरू कर। किन तरह के लोगों को छूट दी गई हॉस्पिटल? सर, 3 प्रकार की सेवाएं हैं इसमें, पुलिस प्रशासन की, चिकित्सा की और आपके आवश्यक सेवाओं की, जिसमें सैनिटाइजेशन भी होगा और आवश्यक सेवाएं। बैरिकेटिंग को चिन्हित कर लिए गए? बैरिकेटिंग चिन्हित कर लिए गए, इंस्पेक्टर साहब अभी उसको काम कर रहे हैं। अब हम शाम तक आपको बता देंगे टोटल कितने बैरियर्स होंगे।